इस प्रज्ञा का मोबाइल कहाँ है? अच्छा, तो ये है इसका प्लान। मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर दिया ताकि ताकि जैसे ही अभी टीवी ऑन करे तो उसे वो वीडियो दिखाई दे। इसकी नजर तो मुझ पे ही चल रही है, कैसे निकालूं उसका फोन? प्रज्ञा, कैन आई यूज योर फोन? मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन करना है और मेरा मोबाइल मेरे रूम में है। हाँ, कर लो। थैंक यू। नहीं, तुम मेरा फोन नहीं यूज कर सकती। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा पर्सनल फोन है, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। पर मुझे एक फ्रेंड को फोन करना है। किसी को भी फोन कर लो, लेकिन मेरे फोन से मत करो, अपने फोन से करो। अरे, मेरा फोन रूम में पड़ा है और मैं अपने रूम में जाके लेके आऊं? तो नौकर से मंगवा लो ना, मैं अपना फोन नहीं दे सकती। अच्छा, एक मैसेज ही करने दो। मैसेज क्या, मैं तुम्हें एक मिस कॉल भी नहीं करने दूंगी। कहा ना, अपना फोन यूज करो, तुम दूर रहो मेरे फोन से। अरे, एक फोन ही करना है, तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? अरे अरे, ये हो क्या रहा है? तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? देखो ना, अभी मैं कह रही हूँ, सिर्फ मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन करना है, मुझे फोन नहीं करने दे रही है। अरे, तुम्हारी तानाशाही की भी हद हो गई है। This is really insane. एक फोन कॉल में तुम्हारा क्या जाएगा? दे दो। ये मेरा फोन है, मैं डिसाइड करूंगी कौन यूज कर सकता है कौन नहीं। हाँ, ये भी बात सही है, फोन इसका है, ये तुम्हें अपना फोन क्यों देगी? हाँ, तो इसका फोन है तो क्या हुआ? एक फोन करने से क्या इसका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा? और अगर तुम नीचे से फोन ले आओगी, तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। अरे, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट औरत को इधर उधर नहीं चलना चाहिए। प्रेग्नेंट औरत को फोन पे भी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, बच्चे पे बुरा असर पड़ता है, रेडिएशन का स्ट्रेस पड़ता है। अच्छा, और जो तुम जो स्ट्रेस देती हो उसका क्या? मैं कौन सा ऐसा? अरे गाइस, स्टॉप इट। तुम दोनों अपने ईगो के चक्कर में एक दूसरे को मार दोगे। तुम दोनों की वजह से ना मुझे अपने घर में शांति नहीं मिलती है। कमरे के अंदर तुम मुझे परेशान करती हो और कमरे के बाहर तुम मुझे परेशान करती हो। अब दोनों लड़ो एक दूसरे से, मैं जा रहा हूँ, आऊंगा एक महीने बाद। लेकिन ये अब क्या कर? ये तो गुस्सा होकर चले गए। अब जब तक वापस नहीं आते, इन्हें वीडियो भी नहीं दिखा सकती। कितनी कोशिश की, पर उस प्रज्ञा ने अपना मोबाइल छूने तक नहीं दिया। आखिर है क्या उस वीडियो में जो वो मुझे उसका मोबाइल देखने में नहीं दे रही थी? और क्या प्लान कर रही थी वो रोनी के साथ मिलके? मुझे निखिल से इस बारे में बात करनी होगी। वो रोनी का पता लगाएगा, तभी कुछ पता चलेगा कि प्रज्ञा रोनी के साथ क्या खिचड़ी पका रही है। पर उससे पहले मुझे पता करना है कि उस वीडियो में है क्या। कैमरा की तो बैटरी खत्म हो गई। ये कौन सा वीडियो? तनु कमरे में नहीं, इसका मतलब रोनी ने जरूर फोन कर दिया होगा और वो बाहर गई। हाँ, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ओह नो, प्रज्ञा से पहले से जानती थी? मतलब वो बदली नहीं है, वो बदलने का नाटक कर रही थी। उसका वो नया रूप, वो एटीट्यूड, वो सब कुछ उसके प्लान का एक हिस्सा था। वो पुरानी वाली प्रज्ञा है। पता नहीं ये तनु बार बार हमारे कमरे में क्यों आ रही है आज। पता नहीं क्यों उसने टीवी से मेरा फोन निकाल दिया और कह रही थी फोन करना है उसे। तो तूने उसे फोन निकालने दिया? नहीं दादी, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो पता नहीं बहस करने लगी कि उसे फोन करना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट कॉल है कोई, और वो प्रेग्नेंट है इसलिए नीचे जाकर अपना फोन नहीं ला सकती। बहस क्या दादी, वो तो झगड़ रही थी मुझसे, और इसी झगड़े को देखकर वो इरिटेट होकर कमरे से बाहर चले गए और एक बार फिर मैं उन्हें वीडियो नहीं दिखा पाई। तो तू, मेरा मतलब बेटा, इसमें उदास होने की कौन सी बात है? वो कमरे से बाहर ही गया था ना, वनवास पर तो नहीं चला गया था, कुछ 13 साल के बाद लौटता।
अब जब वो कमरे के अंदर आएगा तो उसको वीडियो दिखा देना और इस बार अंदर से अच्छी तरह दरवाजा लॉक कर देना। दरवाजा खुला देके तनु आ जाएगी, नहीं तो। दादी आज ना तनु पता नहीं क्यों इन्हें अकेला नहीं छोड़ रही, मक्खी की तरह चिपकी हुई है इनसे। वो ना हो, मुझे लग रहा है दादी कि तनु को पता है कि मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है जो मैं इन्हें दिखाना चाहती हूँ, इसीलिए हर जगह इनके साथ जा रही, वरना उसे मेरे फोन से ही फोन करने की क्या जरूरत है। मुझे डर है दादी कहीं कहीं वो कुछ ऐसा ना कर दे जिससे वीडियो देखने के बाद भी ये तनु की बात पर ही यकीन करे। तुझे क्या लगता है तनु ऐसा कुछ कर सकती है? दादी वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सही कह रही है तू, अगर वो ऐसा कुछ कर सकती है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बेटे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पर कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, मैं तुझे मैसेज करूंगी, जब मैं तुझे मैसेज करूंगी तो उसी जगह पे पहुंच जाना फौरन ही जो जगह मैं बोलूंगी। हाँ, तब तक मैं अभी को ढूंढ कर उसके साथ ही रहूंगी। मेरे साथ होने से ना तो वो कहीं जा पाएगा और ना ही तनु ही नज़दीक आ पाएगी उसके कान भरने के लिए। फिर तू हमसे मिल लेना और अभी की मौजूदगी में तू मुझे वो वीडियो दिखाना और मैं भी ऐसी एक्टिंग करूंगी हैरान होने की कि उस पर असर होना शुरू हो जाएगा। देखिए एक बार तेरी बात को वो झूठ समझ सकता है, मेरी को नहीं। और मेरी ये हालत देखकर वो भी वीडियो को उसी नज़र से देखेगा जिस नज़र से हम चाहते हैं कि वो देखे। ये आइडिया तो फुल प्रूफ है दादी। हाँ आप ठीक कह रही हो, और हमें डरने की जरूरत क्या है, हमारे पास सबूत है। हाँ, हमें बस उन्हें ये वीडियो दिखाना है, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट सबूत दिखा देंगे, उसके बाद उस पर यकीन करना है नहीं करना है ये उनकी मर्जी। बस बहुत हो गया दादी, मैं थक चुकी हूँ ये झूठी जिंदगी जी कर। मुझे पहली वाली प्रज्ञा बनना है, खुली हवा में सांस लेना है दादी। बस अब तू मेरे मैसेज का इंतजार कर और जब तक मेरा मैसेज नहीं आए तू यहीं पर रहना, कहीं जाना मत, ठीक है? मैं जाती हूँ। से तनु बंद करो ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां। कल तक कह रही थी कि वो रॉनी दिख रहा है तुम्हें, आज कह रही कि वो मरा ही नहीं था, जिंदा है। रोज एक नई कहानी कह रही हो तुम। कहानी नहीं सुना रही, आले के पास सबूत है, उसने खुद प्रज्ञा रॉनी और रचना को रिकॉर्ड किया है और वो वीडियो मैंने खुद देखा है। उसने भी ऐसे ही रिएक्ट किया जैसे तुम अभी रिएक्ट कर रहे हो, पर रॉनी जिंदा है और जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना वो मेरा वहम नहीं, वो सचमुच मेरे साथ हो रहा है। उनके प्लान के मुताबिक वो मुझे इतना डराना चाहते थे, इतना डराना चाहते थे ताकि डर के मारे मैं अपने सारा सच बोल दूं। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस रात जब अभी घर के बाहर आया था ना वो भी प्रज्ञा का एक प्लान था ताकि जब मैं रोनी को सच बताऊं तो अभी मुझे खुद देखे और खुद सुने। यू नो व्हाट, ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि जब मैं रोनी को सच बता रही थी अभी उसके बाद वहां पे पहुंचा। पर हो ना हो प्रज्ञा के पास अभी भी हमारे अगेंस्ट कोई प्रूफ है और मेरे हिसाब से वो एक वीडियो है जिसमें मैं रोनी को अपना सच बता रही हूँ। Nice, very nice तनु। और लो हेल्प प्रज्ञा की। लो लो। और क्या कारण था कि तुमने सब बक दिया? तो और क्या करती मैं? मुझे लगा वो रोनी का भूत है। मुझे क्या पता वो खुद रोनी है। मुझे लगा ये मेरा आखिरी दिन है, मैं सच बोलूंगी तो शायद बच जाऊंगी मरने से। तुम बताओ अगर तुम्हारे सामने मौत होती तो तुम क्या करते? समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रज्ञा सब कुछ कर क्यों रही है। किसी ने कहा था ना कि उसे अभी में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो तुम्हें अभी से अलग करने में उसको उसको क्या मिलेगा? ये रहे तुम्हारे सारे सवालों के जवाब। क्या ये? खुद ही देखो। तनु कमरे में नहीं है, इसका मतलब रोनी ने जरूर फोन कर दिया होगा और वो बाहर गई। हाँ दी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब किसी बहाने से मैं उन्हें नीचे लेकर आती हूँ। ये वीडियो मिला कहाँ से तुम्हें? निखिल शायद तुम भूल गए लेकिन तुम मेरी बात मान नहीं रहे थे और तुम्ही ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं अपने रूम में कैमरा लगा जिससे मैं रोनी के भूत को रिकॉर्ड कर सकूं। तो रोनी के भूत को रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई लेकिन जिंदा लोगों को रिकॉर्ड कर लिया जो कि रोनी के भूत से ज्यादा डरावने। अच्छा तो ये प्लान था ना उनका पहले से?
अब समझ में आ रहा है ना इनका प्लान? थैंक गॉड तुम्हें प्लान समझ में तो आ गया। प्रज्ञा वापस ही इसलिए आई है ताकि वो अपना प्लान शुरू कर सके। इसके तीन मोटिव थे, पहले राज भैया को एक्सपोज करना, फिर आलिया को एक्सपोज करके इस घर से बाहर निकालना, और तीसरी मैं। मुझे एक्सपोज करके मेरा सच अभी के सामने लाना चाहती हूँ। मुझे अब समझ में आ रहा है कि प्रज्ञा को अभी के पैसे या प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे अपना अभी वापस चाहिए। जब प्रज्ञा ने तय कर ही लिया है कि वो अभी को हासिल करके रहेगी, तो तुम्हारी अभी के साथ शादी कोई चांस ही नहीं है। शादी? निखिल, अगर अभी को मेरा सच पता चला ना, तो वो मुझे अपने सामने एक मिनट खड़ा नहीं होने देगा। हाँ, और तनु अब तो ये तय है कि ये प्रज्ञा जो है वो पहली वाली प्रज्ञा ही है जिसे अभी बेहद चाहता है। कहता नहीं है, लेकिन प्रज्ञा के लिए उसके दिल में फीलिंग्स हैं। और अगर उसे पता चला कि प्रज्ञा बदली नहीं, धोखा प्रज्ञा ने नहीं बल्कि तुमने दिया है, तो मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें कहीं जान से ही ना मार दे। राइट, मतलब रॉनी नहीं तो अभी, मतलब मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। नहीं स्वीटी, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। बस मैं प्रज्ञा को वो वीडियो अभी को दिखाने नहीं दूंगी। और कैसे रोकोगी तुम उसे? तनु उसके पास सबूत है और उसके हौसले बुलंद। मैं तो कहता हूँ अभी को क्या, वो कहीं वो वीडियो न्यूज चैनल्स को ना दे दे। निखिल, कई बार जो काम सबसे ज्यादा इजी होते हैं ना, वही काम सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगी, पर उसके लिए मुझे रॉनी चाहिए। रॉनी जिंदा है और तुम उसे ढूंढ के लेके आओगे। एक बार रॉनी हमारे साइड हो गया ना, फिर पूरा प्लान हमारे फेवर में आ जाएगा। जो भी प्लान प्रज्ञा ने बनाया, हम रॉनी से ये बुलवा देंगे कि प्रज्ञा ने उसे पैसे दिए ताकि वो मुझे डराए और मुझसे झूठ बुलवाए। ये सब कुछ अगर हो गया ना, फिर प्रज्ञा अगर अभी को वीडियो भी दिखाए ना, तो भी अभी मानेगा नहीं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें रॉनी को ढूंढना होगा, क्योंकि इस बार प्रज्ञा के साथ चुपके से वार नहीं होगा, आमने सामने वार होगा, खुलेआम। क्या प्लान क्या है तुम्हारा? वही जो प्रज्ञा का था। क्या मतलब? जस्ट वेट एंड वॉच। क्या यार, ड्राइवर ही बन गया हूं। पिछले दो घंटे से अपने ही लिए ड्राइव किए जा रहा हूं। एक ही जगह के 10 चक्कर लगा लिए मैंने, दो जगह कॉफी भी पी लिए, अब कहां जाऊं? किस्मत इतनी बुरी तरह पलटे मारेगी कभी सोचा भी नहीं था। रॉकस्टार हूं पर पैसे नहीं है, घर है पर सुकून नहीं है, कहां मिलेगी मुझे शांति? यस, एक दो महीने के लिए कहीं इंडिया से बाहर चला जाता हूं, जहां मुझे दोनों की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। नहीं यार, अगर चला गया तो वापस आने तक शायद तनु को बच्चा हो भी जाए। और वो मुगैम्बो कौन सा तुझे पैसे देने वाली है फॉरेन टूर के लिए? यही तेरी लाइफ है, दोनों मिलकर तेरा खून पी जाएगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। काश कि मुझसे ये गलती नहीं हुई होती तो मैं आजाद होता, बादशाह होता। हेलो, कहाँ है तू? दादी, मैं और मेरी गाड़ी दोनों भटक गए, पता नहीं हम कहाँ हैं। सीधे से बता, मुझे मिलना है तुझसे अभी। दादी, मैं एल्फिस्टन रोड में हूँ, चर्च के पास। पर बताइए ना, कुछ काम था क्या? मिल के बताऊंगी, पहुंचती हूँ थोड़ी देर में वहाँ। ओके दादी। क्या करेंगी? आते ही मुझे गले लगा लेंगे या पहले उस तनु को सजा देंगे फिर मुझे अपनाएंगे, या हो सकता है सबसे पहले मुझसे झगड़ा करें कि मैंने उन्हें ये सब पहले क्यों नहीं बताया, या हो सकता है कुछ ऐसा करें जो मैं सोच भी नहीं रही। हेलो दी। कौन? दी, तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं बुलबुल, तेरी छोटी बहन। What nonsense!
मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत का मजाक बनाना बंद करो। मैं मरी नहीं हूँ दी। क्लिफ से गिरने के बाद मेरी आवाज वापस आ गई थी। और तुझे याद है डॉक्टर ने क्या कहा था हॉस्पिटल में? कि मेरे वोकल कॉर्ड्स खराब हो गए। दी आप सुन रही हैं? वाकई तू बोल रही है? हाँ दी, मैं बुलबुल बोल रही हूँ। मुझे तेरा, माँ का और पूरब का प्यार वापस ले आया। आप सबके प्यार ने मुझे मरने नहीं दिया, मैं जिंदा हूँ दी। बुलबुल तू सीता है, तू ठीक तो है? तू ठीक है तो तूने फोन क्यों नहीं किया? तुझे पता है तेरे बिना यहाँ कैसे जी रहे? माँ की हालत क्या? बुलबुल पूरब ने खुद को कैसे संभाल? तू कहाँ है? मैं पूरब को फोन करती हूँ। तू नहीं दी, मुझे सबसे पहले तुझसे मिलना है, बाकी सबसे मैं बाद में मिलूंगी। अच्छा ठीक है, तू कहाँ है तू? मैं दुर्गा माँ वाले मंदिर में हूँ। तू वहीं रुका, तू कहीं जाना नहीं, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। जल्दी आना दी। मैं आ रही हूँ, उधर ही रहना। अभी जगह भी यही और गाड़ी भी खड़ी है उसकी, खुद कहाँ चला गया ये? फोन लगा के देखते। हेलो दादी, आप पहुंच गई? हाँ पहुंच गई हूँ मैं, तेरी गाड़ी के पास ही हूँ। तू कहाँ है? दादी आप अकेली आई है ना? हाँ अकेली हूँ, तेरी गाड़ी के पास ही खड़ी हूँ। पक्का? अरे हाँ बाबा पक्का। नहीं यकीन तो आके देख ले। आकर देखूंगा, अगर आप अकेली नहीं हुई तो मैं फंस जाऊंगा ना दादी। क्या बोल रहा है तू? तू आता है या मैं लेके आऊं तुझे? बस आ ही रहा हूँ। What's up दादी? How are you? ये सब क्या है? चोचलेबाजी। What चोचलेबाजी? चोचलेबाजी मतलब आप छोड़िए ना दादी। दादी आज मेरा मन करे कि मैं आपको कहीं घुमाने ले चलूं। तो तू मुझे घुमाएगा गाड़ी में? ऐसे थोड़ी ना, और बचपन में तो आप मुझे घुमाया करती थी, तो अब मैं आपको घुमा ही सकता हूँ। अच्छा चल फिर साइन चलते हैं। अरे नहीं नहीं दादी, साइन मैं नहीं, साइन में बहुत ट्रैफिक है। तो कार्टर रोड? अरे दादी कार्टर रोड में अभी मैं आधा घंटा चक्कर लगा के आया, कुछ नहीं है वहाँ पर। चल फिर बैंड स्टैंड चलते। बैंड स्टैंड तो लवर्स जाते हैं, आप बैंड स्टैंड जाकर क्या करोगे? वो भी मेरे साथ। मजाक बंद कर, सीधा सीधा बोल, बात क्या है? दादी आप क्या बताओ, आपको जब आपका घर आपको पिंजरे की तरह लगने लगे, जब दिन में सुकून रात को चैन ना मिले, तो आदमी तो घर से बाहर रहने के बहाने ही ढूंढते रहता है ना। ऐसे क्यों बोल रहा है बेटा? तो और क्या बोलूं दादी, एक तरफ तनु दूसरी तरफ प्रज्ञा, दोनों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया। एक कमरे में दूसरा कमरे के बाहर, एक रात को परेशान करती है दूसरा दिन में परेशान करती है। करूँ तो क्या करूँ मैं, वो क्या बोलते हैं चक्की में आटा पिसिंग, मैं वो आटे की तरह पिसिंग हो गया हूँ मैं दादी, समझ में नहीं आ रहा है करूँ तो क्या करूँ। चल आज तू मेरे साथ गुरुद्वारे चल, बहुत दिन हो गए हम गुरुद्वारे नहीं गए, वहाँ बहुत सुकून होता है बेटा। चलते ना सेंटी होकर, क्या बोल रही है, चलो गुरुद्वारे ही चलते। बुलबुल ने यही तो बुलाया था, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बहुत गुस्सा हूँ, तू तो ऐसे कैसे चलेगी? तूने तूने कुछ नहीं सोचा, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि हम सब कैसे रहेंगे तेरे बिना। तुझे पता है माँ किस हालत में, और तेरे जाने के बाद उन्होंने तनु तुम
क्या मजाक है? तुमने बुलबुल बन के मुझे अब क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, बुलबुल का प्यार तुम्हें यहाँ खींच रहा है। हाँ फोन कॉल नकली था पर बुलबुल के लिए प्यार तो असली था। व्हाट नॉनसेंस, तुमने मेरी मरी हुई बहन की मौत का मजाक बनाया। हाँ एक मिनट, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम अकेली नहीं हो जो मरे हुए लोगों का आवाज निकाल के दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो। मैं भी ये काम कर सकती हूँ और तुमसे ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने किस मरे हुए आदमी की आवाज निकाली? कमान प्रज्ञा, मैं जानती हूँ तुम मेरे मुँह से अपनी तारीफ सुनना चाहती हो। यू नो व्हाट, पहले मैं तुम्हें बड़ी बहन जी टाइप की समझती थी। समझती क्या थी, तुम तो बहन जी टाइप की थी, पर ये जो तुमने प्लान किया है, माय गॉड, मानना पड़ेगा। यू नो मुझे अब तक लगता था कि आलिया के पास सबसे शातिर दिमाग है, पर तुम तो बहुत आगे की सोचती हो। ब्यूटी विद ब्रेन, हाँ मेरे पास तुम्हारे बकवास के लिए वक्त नहीं। लेकिन याद रखना, दोबारा अगर मेरी बहन का मजाक बनाया ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी का मजाक बना दूंगी जिस पर तुम्हें कभी हंसी नहीं आएगी। मेरी जिंदगी का क्या मजाक उड़ाओगी तुम? मेरी जिंदगी में ऐसा बचा ही क्या खुश होने के लिए? सब कुछ तो खो चुकी हूँ मैं, पैसा, नाम, करियर, फैमिली, सब कुछ। और अब तो धीरे धीरे मैं अभी को भी खोने लगी हूँ। क्यों ना मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि तुम जो ये स्वार्थी सेल्फिश बन के वापस आई हो तो अभी तुमसे ज्यादा नफरत करेगा और उतना ही मेरे पास आएगा। पर अब जबकि मुझे सच पता चल चुका है कि तुम बदली नहीं, बदलने का नाटक कर रही हो,